ओके सो माइक्रोवे की बात होती है तो माइक्रोवे जो है बेसिकली ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज लाइक सीक्वेंसिंग और अदर स्टफ। सो बेसिकली इट इज कंसिडर्ड टू बी अ यंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, और यंग है, लेकिन साथ साथ ये भी बहुत सच है कि ये बहुत तेज़ी से मेच्योर भी हो रही है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है या लिटरेचर जो है वो बहुत रिच है, क्योंकि इसमें जो भी डाटा आता है उसको उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए आपको अल्टीमेटली आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का सहारा लेना ही पड़ेगा, आपको कंप्यूटेशनल अप्रोचेस और स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस को मिलाना ही पड़ेगा सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग के जिसको आप नेकेड आई से देख के एनालाइज कर सकें। ये जो अनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो जनरेट होता है इसमें माइक्रोवे से, एंड यू कैन एड्रेस मैनी साइमल्टेनियस हाइपोथेसिस। मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैक्ट है कि क्योंकि आप एक से ज्यादा हाइपोथेसिस जो है एक ही माइक्रोवेव एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आप वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं और इसको हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एनालिसिस रिजल्ट्स यू गेट। सो बिकॉज आपके पास एट अ टाइम मल्टीपल टिश्यूज हो सकते हैं, मल्टीपल ट्यूमर्स हो सकते हैं जिसको आप स्टडी, मल्टीपल जीन्स हो सकती हैं जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, सो मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, सो देर आर मैनी थिंग्स जो कि इसमें फैक्टर्स जो हैं वो आप एट अ टाइम स्टडी कर रहे होते हैं। सो इसका मतलब है आप एक वक्त जो है एक से ज़्यादा हाइपोसिस को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाइपोथेसिस इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके रिजल्ट जो होते हैं वेरिएबल हो सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डाटा को या रिजल्ट्स को उनको केयरफुली हैंडल करें और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी उनका अप्रोप्रिएट टेक्निक जो है वो चूज करना वो बहुत ज़रूरी है। गैदरिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग डाटा फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज अ लार्ज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माइक्रोवेव एक्सपेरिमेंटेशन, दी स्टेप्स आर रेफर टू ए कलेक्टिवली एज प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा कैसे गैदर हो रहा है, ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है और प्रिपेयर कैसे हो रहा है फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। अब ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि गैदर और ऑर्गेनाइज जो है, गैदर तो शायद आप एक ही मेथड से कर रहे हो माइक्रोवेव में एक ही एल्गोरिथम को यूज करके कर रहे हो, लेकिन ऑर्गेनाइज और प्रिपेयर करना उसमें वेरिएबिलिटी आ सकती है, और इट डिपेंड्स कि आपका एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है और उसके मुताबिक आप जो है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। इसकी सबसे एक बेसिक सी एग्जांपल है आप वेका में आर फाइल, ए आर एफ एफ फाइल जो है वो, जो आर फाइल जो है वो उसको प्रिपेयर करते तो आप देखिए उसका फॉर्मेट और सी एस पी फाइल फॉर्मेट में डिफरेंस है। ऑल दो डेटा सेम है लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट है। सो ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक यू विल बी यूजिंग सो दैट यू कैन परसू द प्रिपरेशन फेज ऑफ और कंप्लीट द प्री प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। Broadly defined, pre-processing includes planning and design of experiments, acquisition and processing of images, data transformation, data inspection and data filtering. ठीक है? So, इसमें तमाम जो stages हैं वो आ जाती हैं, जिसमें आपकी pre-processing में वो कह रहे experiments भी आपके उस पे उसका design और उसकी planning भी उसमें शामिल है। क्यों? क्योंकि आपको अगर data एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए किसी एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इनपुट करने के लिए तो आपको अपने एक्सपेरिमेंट्स का डिज़ाइन भी वैसे करना पड़ेगा कि सो दैट आपके पास उतनी डायमेंशंस हों, उतने वेरिएबल्स हों, उतने फैक्टर्स हों
जो के जिसको आप बाद में जो है वो प्रोसेस करके, इमेज को प्रोसेस करके या ट्रांसफॉर्म करके और जो है और फिल्टर करके फिर उस फॉर्मेट में लेके आ सके कि आपका डाटा जो एनालिसिस के काबिल हो. सो बेसिकली व्हेन यू डू द प्री प्रोसेसिंग, इसका मतलब है आप प्लानिंग से लेकर डाटा फिल्टरिंग तक जो है ये सारी स्टेजेस इसमें आ जाती हैं. क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद ही आपका डेटा जो है रेडी होता है आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए. ठीक है. सो ये एक कुछ एक फिगर दी हुई है यहाँ पे जिसमें प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स मुख्तलिफ को उसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ एक तरह से. ठीक है. हर एक्सपेरिमेंट के लिए जिस तरह डिज़ाइन एंड प्रिंटर है, डिज़ाइन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, प्रिपेयर एंड हाइब्रिडाइज स्कैन. ठीक है. हर एक्सपेरिमेंट के लिए आप ये करते हैं और फिर ये हर हाइब्रिडाइजेशन के लिए अलग से है, मतलब हाई हाइब्रिडाइजेशन जो एक स्पॉट पे हुई है, इमेज का एनालाइज करना, ट्रांसफॉर्म करना और इंस्पेक्ट करना डाटा को. ठीक है. और ये सब कुछ काम में जा रहा है आपका डाटा मैनेजमेंट के ब्लॉक में जा रहा है, मतलब यू आर मैनेजिंग ऑन डाटा फ्रॉम ईच एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एंड फ्रॉम ईच हाइब्रिडाइजेशन एज वेल. इसके बाद आप उस डाटा को एक जगह पर जमा करने के बाद उसको फिल्टर करते हैं और फिर एनालाइज या इंटरप्रेट करते हैं. सो दिस इज अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द होल प्रोसेस. अच्छा, इसमें पहले डिस्कस करते हैं डेटा मैनेजमेंट. सो फॉर मोस्ट लेबोरेटरीज माइक्रो एनालिसिस विल नॉट बी अ वन टाइम एक्सपीरियंस. ठीक है. इवन इफ एन एक्सपेरिमेंट एड्रेसेस वन स्पेसिफिक क्वेश्चन, इट विल लाइकली बी फॉलोड बाय एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट एडिशनल फैक्टर्स. सो जहां कहीं भी माइक्रो एनालिसिस की बेस पे जो है काम हो रहा है वहां पे ये बात ऑब्वियस है कि वो कोई वन टाइम एक्सपीरियंस नहीं होता. ठीक है. इवन दो के आपके पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है जिसको आप एड्रेस कर रहे होते हैं कि मसलन कोई एक पर्टिकुलर जीन रिसर्च क्वेश्चन ये हो सकता है कि जीन ए जो है कंट्रीब्यूट कर रही है एक पर्टिकुलर ट्यूमर की तरफ. सो ये हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है. सो उसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट या सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट तो करते ही हैं डिज़ाइन, लेकिन उसको वेरीफाई करने के लिए एडिशनल, उसके साथ एडिशनल फैक्टर्स जो आपके जेहन में बाद में आते हैं उनको भी टेस्ट करने के लिए आप एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स हमेशा डिज़ाइन करते हैं, रन करते हैं. प्रॉपर्ली डन माइक्रो एक्सपेरिमेंट हैज द पोटेंशियल टू बिकम पार्ट ऑफ लार्जर स्टडी. ठीक है. सो बेसिकली माइक्रो जो है वो अगर उसको प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तो एक लार्जर स्टडी का बहुत अच्छे तरीके से हिस्सा बन जाती है. Given the success and importance of large central databases for DNA and protein, there are strong reasons to nudge microarray data in the same direction. ठीक है. We had great success with the databases of DNA and protein like NCBI and many other databases, publicly available databases like SwissProt, UniProt. So microarray is also another source of data. And that is producing enormous data to be analyzed by the research community, and these are also stored in some you can say databases. However, it is clear that microarray data is far more complex than sequence data, okay? And that it can be meaningless or misleading, okay? Unless आगे ये context नहीं होया. The context of the experimental condition is fully described and measurements are standardized such that comparisons are valid. So sequence data is just a sequence data. You just look for some patterns or compare their sequences like in multiple alignments and try to draw conclusions from those alignments. But in case of microarray, the complexity is
far greater than the, you can say, a simple sequence data, okay? Because there are thousands of genes and many multiple factors, multiple conditions, multiple tissues, multiple samples may be involved. So you can see the complexity of the situation, and it is not easy to interpret such data unless you know about the, what are the experimental condition or context of the experiment, and how the measurements are standardized. ठीक है, measurements को standardize या transform कैसे किया गया. For this reason, standards such as minimal information about micro experiments Miami are being developed. So this is the standard which is being developed by BRASMA, ठीक है, so that you can maximize the data mining process from micro experiments. Meeting these standards is a responsibility and that demands good. Sorry, I have to just take.